दोस्तों, मेट्रो लाइट। मेट्रो लाइट मौजूदा मेट्रो रेल का एक छोटा रूप होगी। इसकी कुछ ऐसी विशेषताएं होंगी जो इसे मौजूदा मेट्रो सिस्टम से अलग करेंगी। इसके स्टेशन लगभग बस स्टॉप की तरह ही होंगे। मेट्रो लाइट ट्रेन्स में 3 डब्बे होंगे और रफ्तार 25 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। मेट्रो लाइट ट्रेन्स की लाइन जमीन पर और जरूरत अनुसार एलिवेटेड होगी, लेकिन ये तय है कि इसकी लाइन अंडरग्राउंड नहीं होगी। मेट्रो लाइट को बनाने पर मौजूदा मेट्रो ट्रेनों के मुकाबले कम लागत आएगी। इसके अलावा ये ज्यादा क्षमता वाली मेट्रो ट्रेन्स के लिए फीडर सिस्टम का काम भी कर सकती है। 3 कोचेज वाली इस ट्रेन की क्षमता 300 यात्रियों की होगी। मेट्रो लाइट सिस्टम के लिए अलग से लाइन होगी जिससे रोड ट्रैफिक पर असर नहीं पड़ेगा। सड़क से इसे अलग करने के लिए दोनों तरफ फेंसिंग की व्यवस्था होगी। राजधानी दिल्ली में 2 मेट्रो लाइट कॉरिडोर्स बनाने की तैयारियां चल रही हैं। इसके लिए केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय ने दिल्ली मेट्रो रेल निगम को निर्देश जारी किया है। इसके तहत कीर्ति नगर से द्वारका सेक्टर 25 और रिठाला से नरेला के बीच मेट्रो लाइट कॉरिडोर बनाने का प्रस्ताव है। मेट्रो बोर्ड ने कीर्ति नगर द्वारका सेक्टर 25 मेट्रो लाइट कॉरिडोर की योजना को प्रशासनिक मंजूरी दे दी है। कीर्ति नगर द्वारका सेक्टर 25 मेट्रो लाइट कॉरिडोर की लंबाई 19 किलोमीटर होगी। ये दिल्ली मेट्रो के 3 कॉरिडोर्स से जुड़ा होगा, क्योंकि इस मेट्रो लाइट कॉरिडोर का कीर्ति नगर स्टेशन ब्लू लाइन व ग्रीन लाइन के साथ इंटरचेंज स्टेशन होगा। साथ ही एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन का विस्तार द्वारका सेक्टर 25 तक हो रहा है, क्योंकि द्वारका सेक्टर 25 में अंतरराष्ट्रीय स्तर का कन्वेंशन सेंटर बन रहा है। इसलिए कीर्ति नगर से द्वारका सेक्टर 25 के बीच ये मेट्रो लाइट ट्रेन फीडर सेवा के रूप में काम करेगी। वहीं रिठाला से नरेला के बीच 21.7 किलोमीटर का कॉरिडोर प्रस्तावित है। इसके निर्माण में केंद्र और दिल्ली सरकार को 50-50% खर्च उठाने होंगे। इन कॉरिडोर्स पर मेट्रो ट्रेन्स चलाने के लिए पहले ही DPR तैयार कर ली गई थी, लेकिन अब सरकार का इरादा है कि मेट्रो लाइट बनाई जाए। अगर मेट्रो की जगह मेट्रो लाइट बनाई गई तो इससे लागत में 25-40% तक कमी आ सकती है। इसके अलावा ऑपरेशनल लागत भी कम होगी। यदि ये प्रोजेक्ट परवान चढ़ा तो दिल्ली में मेट्रो लाइट ट्रेन्स भी रफ्तार भरती नजर आएंगी। आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने दिल्ली मेट्रो से कहा है कि वो रिठाला नरेला कॉरिडोर पर मेट्रो लाइट बनाने के लिए संभावित खर्च का ब्यौरा तैयार करे। चौथे फेज की अन्य 2 लाइन्स यानी लाजपत नगर से साकेत जी ब्लॉक की लगभग 8 किलोमीटर की लाइन और इंद्रलोक से इंद्रप्रस्थ की 12.58 किलोमीटर की लाइन पर भी मेट्रो कॉरिडोर बनाने की बजाय मेट्रो लाइट कॉरिडोर ही बनाए जाने की दिशा में तैयारियां चल रही हैं। यहां हम आपको बता दें कि पहले से ही मेट्रो लाइट की स्पेसिफिकेशंस को मंजूरी दी जा चुकी है। ऐसे में मेट्रो लाइट के निर्माण से न सिर्फ आर्थिक फायदा होगा, बल्कि इसके बनने से अधिक भूमि के अधिग्रहण की भी आवश्यकता नहीं होगी। आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने इसकी जो स्पेसिफिकेशंस फाइनल की हैं, उनके मुताबिक इसके स्टेशंस पर फेयर कलेक्शन गेट, एक्सरे मशीन, मेटल डिटेक्टर आदि नहीं लगाए जाएंगे। इसी तरह मौजूदा मेट्रो सिस्टम की तरह ही टोकन डालने पर गेट नहीं खुलेगा, बल्कि इसके लिए उसे ट्रेन के अंदर ही लगे सिस्टम में एंट्री और बाहर जाते हुए टच करना होगा। इसके लिए चेकिंग भी होगी, और अगर कोई चेकिंग में ऐसा पकड़ा गया ज
जिसने अपने कार्ड को सिस्टम से टच करके सफर की जानकारी नहीं दी होगी तो उस पर भारी भरकम जुर्माना लगाया जाएगा। भारत में ये अपनी तरह का पहला मेट्रोलाइट सिस्टम होगा। दोस्तों, इस वीडियो को अब यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए विषय के साथ। धन्यवाद।